सत्यमेव न्यूज, हमेशा सच के साथ। बांदीकुई को जिला बनाने की मांग के समर्थन में बांदीकुई के विभिन्न व्यापार मंडलों के अध्यक्षों ने सोमवार को बांदीकुई के बाजार में पूरे दिन भर के लिए बंद को समर्थन किया। खुदरा व्यापार संघ के अध्यक्ष राहुल झालाने ने बताया कि बांदीकुई के सभी व्यापारिक मंडलों के अध्यक्षों की सहमति से 10 अप्रैल सोमवार को बांदीकुई को जिला बनाने की मांग का समर्थन करते बांदीकुई बंद की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि बांदीकुई को जिला बनाने की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन 8वें दिन शनिवार को भी जारी रहा। जिला बनाने की मांग तेज हो गई। शुक्रवार को 4 युवक इसी मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गए थे। करनी सेना के पदाधिकारियों द्वारा भी शहर में रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया था। वहीं जिला बनाने की मांग को लेकर एसडीएम ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। इस दौरान आदर्श व्यापार मंडल के संरक्षक गगन अग्रवाल, महाव्यापार संघ के अध्यक्ष अशोक काट, बार एसोसिएशन बांदीकुई के अध्यक्ष एडवोकेट श्याम अग्रवाल, पार्षद महेंद्र देमन, सुनील अग्रवाल, दिनेश झालानी, नीरज रावत, अशोक जैन, आशीष कट्टा और अनेक व्यापारी मौजूद रहे। सत्यमेव न्यूज के लिए दौसा के बांदीकुई से अनूप पाटोदिया की विशेष रिपोर्ट। आपने मार्च किया, बताएंगे सोमवार को हमारा समस्त व्यापार मंडलों को समर्थन दिया है। ये जो अनशन चल रहा है, इस अनशन को समर्थन दिया है। जो हमारे भाई 5 दिन से भूख हड़ताल में बैठे हैं, उनके लिए हमने सोमवार को पूर्ण रूपेण स्वच्छता स्वेच्छा से पूरा बाजार बंद रखने का संकल्प लिया है। और बांदीकुई को जिला बनाओ संघर्ष समिति के साथ। मेरा ये सवाल है कि ये बाजार पूर्ण रूप से बंद रहेगा या सांकेतिक 2-3 घंटे के लिए बंद है? नहीं, पूर्ण रूप से बंद रहेगा। सुबह से लेकर शाम तक पूर्ण रूप बंद रहेगा और सब संस्थाओं का बंद रहेगा। सर, आपके परिचय? मैं राहुल झालानी, अध्यक्ष खुदरा व्यापार संघ बंद। इन्फॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और लेटेस्ट न्यूज YouTube पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें सत्यमेव न्यूज और प्रेस करें यहाँ बने बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा हमारे हर वीडियो से अपडेट रहें।